पापा तो गया पंचायती में, अब करेंगे लौंडियाबाजी। कहाँ चला दादाजी? कैसे कैसे बच्चे सब जनवा देते हैं, रास्ते पे छोड़ देते हैं, रोक देते हैं, जा जाता हूँ वहीं पे। गाँव में नहीं रखूंगा किसी को, किस खानदान का बच्चा है पता लगाता हूँ, रुक, घर से पूरा गांव वाले को निकाल देंगे। अबे 11 बज गया, अभी तक मुखिया नहीं आ रहा है, मुखिया क्या मार रहा है। अबे सुल्तान, तुम्हारी बीबी मेरे दुकान से रोज रोज करवा तेल ले जाती है, इतना तेल का करती क्या है? अबे चुप, कौन सा बात कहाँ का आना, तुमका तमीज नहीं है? अरे बैठो बैठो बैठो, मुखिया आ रहा है। सब पहुंच गए क्या? बड़ी श्रम की बात है, गांव में इधर का लड़का उधर, उधर का लड़की इधर, घुसर फुसर चल रहा है। ऐसा कब होता है? क्यों मालूम नहीं ऐसा कब होता है? अभी तो ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है? कुछ दिन पहले तुम्हारा बेटा, वो एक मरता हो गया, अभी तो ठीक चल रहा है ना? हमारे रहते हुए इस गाँव में ऐसा नहीं चलेगा। 50 गांव मेरे को सलाम करता है, ऐसा कुछ नहीं चलेगा मेरे रहते हुए। अबे घुसर फुसर क्या कर रहा है, जो भी बोलना है ठीक से बोलो। मुखिया जी, आपका लड़का और कालुआ का लड़की फंस गया है। चुप, कौन सा बात कहाँ बोलना है, तमीज नहीं है? चलो सर। मुखिया जी, आपका लड़का और कालुआ का लड़की फंस गया है, पेड़ पे बांध के मार रहा है, पीट रहा है। चुपचाप रहो, किसी को नहीं बोलना, कानो कान किसी को खबर नहीं होना चाहिए। wow. बता रहा हूँ, चलो किसी को नहीं बोलना। मुखिया जी क्या हुआ? आज कोई पंचायती नहीं होगी। चलो मुखिया जी का घर में कोई लफड़ा है, सब चल कर देखते हैं। चलो 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 चलो। बता मेरे घर में क्यों आया? अंकल मैं प्यार करता हूँ। अंकल प्यार करता है? प्यार मुखिया जी, आपका बेटा मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। मुखिया जी मुझे इंसाफ चाहिए। मुखिया जी इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए तुम्हें? मेरा बेटा को मारने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए। तुमको मालूम नहीं है कि मुखिया का बेटा है? इस गांव में रहना है तो मेरा होकर रहना पड़ेगा, सोचा नहीं था पहले? मुखिया का बेटा को मारो। बहुत मारा इसने, बहुत मारा। तो रुक, इंसाफ चाहिए तेरे को? इंसाफ के लिए पहले सोचना चाहिए था ना, मुखिया का बेटा को हाथ लगाया। और इंसाफ चाहिए? कुत्ता कमीना शाला, तेरे को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है? तेरा बेटी 100 घर में मुंह मारती फिरती है, बच्चा है वो। मेरा बेटा एक बार मर लिया तो क्या हो गया? क्या हो गया? कभी भी सोचना भी मत कि किसी को बताएंगे कि ऐसा वैसा, किसी ने जाना तो समझ लेना। समझ रहा? जो भी 10-5 जो लेना है घर पे आ जाना शाम को, और जो लेना है लेके निपटारा कर देना 2-4 रुपए, समझ लेना तू। अच्छा क्यों रह रहा है? तू मुखिया का बेटा होकर रहेगा? बहुत मारा इसने, बहुत मारा। मुखिया का बेटा है, जो मन में सोच ले। हमारे गांव में एक घटना
हक नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई जीने का हक नहीं है, मैं मर जाऊंगा। अबे कौन रो रहा है? मेरा संधि का आवाज लग रहा है। मैं मर जाऊंगा। समझे क्या कर रहा है? समझे क्या कर रहा है? समझे समझे क्या हो गया? समझी समझी ये क्या कर दिया? समझी समझी क्या कर दिया? हाँ उठो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, खड़ा हो। क्या हुआ समझी, क्यों मर रहा था? मुखिया जी मुझे इंसाफ करके नहीं दिया और मुखिया जी बोला कि मेरे बेटी बात चलन है और घर घर में मुंह मारती फिरती है। मुखिया जी मुझे इंसाफ करके नहीं दिया, मुझे क्यों बचाया समझी जी? मेरा मर जाना ही बेहतर था। समझी टेंशन नहीं लेना, चलो मुखिया के पास मैं जाता हूँ, कैसे इंसाफ करके नहीं देगा मैं बताता हूँ ना, चलो। समझी जी अभी मरने का समय नहीं है, अभी बदला लेने का समय है, आप यहाँ पे रुकिए, मैं आ रहा हूँ अभी। चलिए समझी जी आप यहाँ पे बैठिए, मैं मुखिया के पास जा रहा हूँ, अगर कुछ भी गड़बड़ लगा, हल्ला गुल्ला हुआ तो बस ये फौरन डंडा लेकर अंदर आ जाइए। लीजिए पापा पानी पीजिए। अस्सलाम वालेकुम मुखिया जी, मेरा समधि दरिया में जाकर डूब के मर रहा था, अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहां पे पहुंचा और उसको दरिया में जाके उठा के लेकर आया। तो तुम लोग क्या चाहते हो, तुम लोगों का समधि बन जाए? हाँ ऐसा ही होना चाहिए, जब किसी का लड़का किसी की लड़की फंस जाता है तो आप उसका शादी करा देते हैं, लेकिन जब आपका बारे आया तो आप गिलगित की तरह नहीं बदलते हैं। अपनी औकात में रहो। मैं औकात में था, औकात में हूँ और औकात में रहेंगे। गरीब साला आया था समधि बनने, समधि बनेगा, मुखिया का समधि बनेगा। मेरा गांव में रहना है, इस गांव में रहना है तो मेरा होकर रहना पड़ेगा, अगर मेरा होकर नहीं रहोगे तो गांव से निकल जाओ। मुँह कैसे दिखाएंगे समधी जी गाँव में? समधी जी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मुखिया जी इंसाफ करके नहीं दिया तो क्या हो गया, हम सरपंच के पास जाएंगे, अगर सरपंच भी इंसाफ करके नहीं दिया तो हाईकोर्ट तक जाएंगे, लेकिन इंसाफ लेके रहेंगे। अभी चलिए समधी जी सरपंच जी के पास। चलिए समधी जी। घर में सब ठीक है? सब कोई ठीक है। सरपंच जी मुझे इंसाफ चाहिए, सरपंच जी मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए सरपंच जी। उठ के बैठो, उसके बाद सही से बोलो क्या समस्या है। मुखिया जी का बेटा मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रखे थे, सरपंच जी मुझे इंसाफ चाहिए, मुखिया जी ने मुझे बहुत मारा। चुप हो जाओ। माफ करना कालू, मुखिया के खिलाफ जाना मतलब जान का खतरा, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। दुनिया में और कोई इंसान नहीं मिला काम करने के लिए या इंसाफ मांगने के लिए, इस भड़वे के पास आया इंसाफ मांगने के लिए। चुप हो जा कुत्ती कहेगी, कहां क्या बोला तुमको पता नहीं है, तमीज नहीं है तुमको? कभी कोई एक सही काम तो कर लिया कीजिए, आइए मुझसे एक सलाह ले लीजिए। आप लोग बैठिए, बोलो क्या बात है।
जिंदगी में एक बात सही बोला। प्यार करने का ढंग नहीं है, मेरे दिल की हड्डी तोड़ दी। तुम ये काम करो कालू, आने वाले 2 तारीख को इलेक्शन है, तुम अपने समधी को इलेक्शन में खड़ा कर दो। अगर वो जीत गया तो अपने हिसाब से दोनों इंसाफ कर लेना, ठीक है? ठीक है, लेकिन ये बात मैंने जो बोला ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास करके मुखिया को एकदम कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? जाओ, थैंक यू, जल्दी जाओ, मेरा भरपूर सपोर्ट रहेगा। घर में कोई है? हाँ भाई है। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। इस बार किसको वोट दे रहे हैं? मुखिया तो हम लोगों का पुराना वाला है, उसका खिलाफ कोई खड़ा होने वाला तो नहीं है, इसलिए उसी को वोट देना पड़ेगा। नहीं नहीं, मेरा समझी को इलेक्शन में खड़ा किया है मुखिया में, उनको वोट दीजिएगा। आपका समझी को खड़ा किया? हाँ। आइए आइए बैठिए। नहीं, और बहुत काम है, बहुत घरों में जाना है, सबसे वोट मांगना है, इसीलिए अभी टाइम नहीं है, फिर आएंगे इंशाल्लाह कभी। इंशाल्लाह आप लोगों को ही वोट देंगे, आपको वोट इसलिए देंगे कि वो वाला मुखिया बड़ा चूतिया बनी करता है, इसलिए आपको ही वोट देंगे, इंशाल्लाह वोट देंगे। आप लोग बस ध्यान रखिएगा। बस बस बस। मुखिया जी गजब हो गया है। क्या गजब हो गया? आपके खिलाफ कालू अपना समझी को इलेक्शन में खड़ा कर दिया है, एक बार भी नहीं पूछा, और घर घर में वोट मांग रहा है। तो है इलेक्शन काल है। चलो चलो। सुनो, गांव में रहना है तो मेरा बन के रहो, इस बार का वोट मुझे दो, अगर मुझे नहीं दिया और किसी को दिया तो मार मार के सुला देंगे। गांव में रहना है तो मेरा बन के रहो, नहीं तो घर घर में घुस घुस के मारूंगा। मुखिया जी चाय पिलाइए। चाय पीना है? चल कोने पे। कि साला मुखिया जब से जीता है लोगों को परेशान करके रखा है, धमकी देता है इसको इस बार वोट नहीं देना है। नहीं देना, है। नहीं देना है। क्या बे? तुम लोग अभी गांव से गए नहीं हो और सुन रहा हूँ कि इलेक्शन लड़ रहे हो? ऐसा कैसे चले जाएंगे? अब तुमको तुम्हारा औकात दिखाएंगे। औकात की बात करता है गरीब घोसा, तुम्हारे पूरे खानदान में ना इतना 1 महीने में खर्चा होता है उतना मेरे घर का बिल्ली दूध पी जाती है। संदीप जी, लगता है कि हम मर जाएंगे, इलेक्शन तो हो गया है, रिजल्ट का जल्दी से पता कीजिए। ठीक है। सर, रिजल्ट कब मिलेगा? रुको, अभी मिल जाएगा। तमीज जी सर। कालू जी सर, मैं you
क्या हुआ, कितना वोट से जीते? वो पापा आप हार गए। हार गए? चलो भागो, चलो निकालना पड़ेगा, चलो भागो, चलो भागो। कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भागेंगे, मैं भागने वाले खानदान में से नहीं हूँ। और मेरा बेटा का हेयर स्टाइल बनाना था, इसलिए मैं जा रहा था। संदीप जी पकड़ो और पूरे गांव में ऐलान कर दो कि कल पंचायती होगी। सुबह से बैठ बैठ कर यहाँ झक मार रहा हूँ। कहाँ तुम लोगों का मुखिया? कोई मुखिया उखिया नहीं आएगा, कोई पंचायती नहीं होगी आज। चलिए चलिए सब, चलिए चलिए, कोई पंचायती नहीं होगी। समझ आ गया। मैं पुराना मुखिया हूँ, थोड़ा सा भी इज्जत करो। ए, एक मुक्का लगाएंगे ना पूरा 32 का 32 झड़ जाएगा, तो वो करते रहना। अभी तुम्हारे पास पावर नहीं है, अभी पावर मेरे पास है। मैं जो बोलूंगा मानना पड़ेगा। चलो उठ के बैठ, उठ। पंचायती में बात रखी जाए। संदीप जी अबे चुप, समझी घर पे बोलना। अभी मुखिया साहब बोल, मुखिया साहब। हाँ बोलो, अपनी बात बोलो। मुखिया साहब मुझे इंसाफ चाहिए, मुखिया का लड़का मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। ए गांव के गवार, सही से बोलो, पूरा डिटेल से बोलो, क्या हुआ, कैसे हुआ, खोल खाल के बताओ। क्या बताऊँ मुखिया साहब, मेरी बीवी रोटी पका रही थी और मैं रोटी खा रहा था, उसी बीच मुखिया जी का लड़का मेरी बेटी के कमरे में घुसा और मैं रोटी छोड़कर जाके देखा, तोबा, पूरा खटिया ही तोड़ डाला। मुखिया साहब मुझे इंसाफ चाहिए। और कुछ है कि बात पूरी हो गई? और मैं जब मुखिया जी के पास इंसाफ मांगने के लिए गया तो मुखिया जी ने मुझे इंसाफ करके नहीं दिया, बल्कि मुझे कुत्ते की तरह पीटा और मुझे बहुत दौड़ा दौड़ा के मारा और मेरी बेटी को बच्चलन और बुरा भला कहा। मुखिया जी ने मुझे इंसाफ करके नहीं दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। क्या मुखिया जी, कालू सही बोल रहा है? ये कभी सही बोला है? झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, ये कभी सच बोलता ही नहीं है। चुप चिंदी चोर, हीरो बन रहा था, लोगों को चूतिया बनाते हो। अभी तेरा गांड में बम्बू पेलवाता हूँ, रुको। कालू तो पंचायती में क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे मार का बदला मार चाहिए। ले जाओ इसको, इतना मारो, मार मार के इसका गोबर निकाल दो। मुखिया को बढ़िया से धोया ना? हाँ, आज मन की बात पूरी हुई मुखिया जी। यहाँ क्या बैठ रहा है? पीछे बैठ, पीछे, तुम्हारे ऐसा मुखिया बहुत देखा मैंने। चल पीछे बैठ, उठो। जो बोल रहा हूँ सुनो। हाँ तो समिति साहब, अब इन दोनों का क्या किया जाए? इन दोनों ने जब इलू किया है तो दोनों का शादी करवा दीजिए। हाँ तो काजी बुलाया जाए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई साहब इन दोनों का निकाह करा दीजिए। फीफाफा मुखिया जी का लड़का, कालू की लड़की, फीफाफा आप दोनों का निकाह किया जा रहा है, आप दोनों को कबूल है फीफाफा? जी अल्हम्दुलिल्लाह कबूल है। जॉनी सिंस और सनी लियोनी और मियां खलीफा के तरीके के हिसाब से आप दोनों पति पत्नी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अबे मुखिया इन दोनों को जल्दी से खोलो, जल्दी। इन लोगों को घर ले जाओ। तुम फिर क्यों रुक गए? मेरा बेटा का शादी करवा है। अच्छा। दहेज में कुछ तो दीजिए। अच्छा, तेरे को दहेज भी चाहिए? तुम्हारी आधा प्रॉपर्टी लड़की के नाम।